अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी आखिरी सैरी करने जा रहे हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूख लगी है का स्लोगन देखकर आपको आज की वीडियो का अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही है और हम अपनी आखिरी सैरी करने मेन सुपर हाईवे शाहीन शनवारी रेस्टोरेंट आ चुके हैं। यहाँ पे ना सिर्फ आपको अच्छी वाइब्स मिलेंगी, बल्कि इसके साथ साथ शाहीन शनवारी रेस्टोरेंट अपने टेस्ट और क्वालिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और अंदर जाने के बाद तो आप माहौल देख ही सकते हैं, कितना नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा और काफ़ी ज़्यादा पुरसकून माहौल नज़र आ रहा था। लिहाजा हम अंदर गए और हमने अपना ऑर्डर जो देना था उसकी प्लानिंग पहले ही कर ली थी, लिहाजा हमने अपना ऑर्डर दिया और पहुंच गए हम अपने वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। मेरे दोस्त बातों में मशगूल थे और मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करने के लिए जगह जगह अच्छे शॉट्स ले रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी पान वाला पे। पान वाले ने अपने स्टॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, लिहाजा मैंने इसको जाके शूट कर लिया। और इसके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी जो बच्चे और बड़ों के लिए अवेलेबल थी। यहाँ पे कुनाफा तैयार किया जा रहा था और ये खाने में भी काफ़ी लजीज था, इसकी वीडियो बनाना तो लाजमी ही थी, तो आप इसको बनते हुए देख सकते हैं इस वीडियो में। आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरसकून और आरामदेह माहौल था यहाँ पर। खाने पीने की अगर बात हो जाए तो उसमें चाय का हिस्सा मैं लाजमी अपनी वीडियो में रखता हूँ, तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में लाजमी बनते हुए दिखाऊंगा। और नाज़रीन यहाँ पे बन रही थी ग्रिल्ड सब्जी, जो कि देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जूसी और मज़ेदार होगी। एक एक करके हमारी टेबल पे चीज़ें पहुँचना शुरू हो चुकी थी और सबसे पहले एंट्री हुई दुम्बा बोटी की। दुम्बा बोटी खाने के बाद मेरा अगला टारगेट था चाय को कवर करने का, और यहाँ पे मौजूद खान साहब ने भी भरपूर साथ दिया, चाय को फुल स्टाइल से बनाते हुए एंट्री दी। हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और ये अब हमारी टेबल की जीनत बनने जा रहा था, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बनता था लेकिन मैं चाय का बेसब्री से वेट कर रहा था और चाय मेरी टेबल पे आ पहुंची और मैंने चाय के साथ अपने आज के व्लॉग को इख्तिताम किया। मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक।